जय हिंद दोस्त, मैं आपका दोस्त अवाजीत, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर। दोस्त, बहुत बड़ा न्यूज इस समय बंगाल से निकल के आ रहा है। उसके अलावा आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से भी बहुत सारे ऐसे न्यूज निकल के आ रहे हैं जो कि आप लोग के सामने रखने से स्पष्ट हो जाएगा कि बीपीएससी तैयारी 1.0 2.0 रद्द होगी। और बिहार की एक बहुत बड़ी न्यूज है जिसके कारण आपको हम साफ कर देंगे कि बीपीएससी में जो लोग अयोग्य अभ्यर्थी भर्ती हो चुके हैं उनको भी पैसा वापस करना पड़ेगा। आपको बता दें, बीपीएससी टीआरई 1.2.0 3.0 जो भी भर्तियां बीपीएससी के माध्यम से हुई वो सब धांधली के घोटाले में चली गई। सब धांधलीकर्ताओं ने नौकरी को प्राप्त कर लिया। यही सबसे बड़ा इस समय मुद्दा उनके सामने आ चुका है। 2018 में बिहार शिक्षक भर्ती जो बहाली हुई थी उसको 2024 में ले आके रद्द कर दिया गया। 2023 में इस प्रक्रिया को रद्द किया गया और 2024 में सारी लोगों को बाहर कर दिया गया। उसी प्रकार आज बंगाल में जो हुआ, ममता बनर्जी के शासनकाल में 2016 में जो शिक्षक भर्ती हुई थी वो 2024 में भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। ममता बनर्जी के शासनकाल में इस भर्ती प्रक्रिया में बम्पर धांधली हुई थी और धांधलीकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया था। उसके बावजूद भी इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं किया गया था, जिस आधार पर बिहार में बीपीएससी टीआरई 1.0 और 2.0 में भर्ती प्रक्रिया में धांधली करने वालों की गिरफ्तारी शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी के आदेश पे हुआ और बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो स्कूल और कॉलेज छोड़ के भी फरार हो गए। दूसरा, सूचनाओं के आधार पे हम आपको बता दें कि बिहार बीपीएससी टीआरई 2.0 में भाषा आर्ता को जो शून्य करके अवैध भर्तियां हुई थी उस पे एक बहुत बड़ा एक खेला सामने आया है कि उन्होंने कहा था कि योग्य अभ्यर्थी उनको नहीं मिल रहे थे, जबकि आपको हम बता दें कि उन्होंने योग्यता 40 अंक से ऊपर लाने वाले व्यक्ति को सभी को योग्य माना था। तो आपको बता दें, अगर भाषा आर्ता लागू होकर भी रिजल्ट आता है तो भी पूरी सीटें फुलफिल हो जाएंगी, इतने योग्य टीचर है। लेकिन केवल धांधली के उद्देश्य से इसको फुलफिल नहीं किया गया और उन व्यक्तियों को जो धांधली करता है, जो अवैध तरीके से इसमें भर्ती हो गए हैं, जिन्होंने पैसे दिए, जिन्होंने 10 से 15 लाख जो सूचना प्राप्त हो रही है वो 10 से 15 लाख तक की सूचना हमें प्राप्त हो रही है कि इसके बीच पैसे देके भर्ती की गई। आखिर शिक्षा विभाग के इतने पकड़े जाने के बाद भी क्यों नहीं शिक्षकों की भर्ती रद्द की जा रही है? अभी प्रोबेशन पीरियड भी नहीं पूरा हुआ है, उनकी भर्ती प्रक्रिया को रद्द आसानी से किया जा सकता था, लेकिन ये बिहार के अधिकारियों का खेला है। और शिक्षा विभाग में जब के पाठक साहब को बहुत सारे इल्जाम लगाए गए कि वो ऐसे गलत कर रहे हैं, ऐसे गलत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार उनको बाहर क्यों नहीं निकाल पाई, स्पष्ट होता है कि वो इंसान ईमानदार है और ईमानदारी के दम पर हजारों लोगों की गिरफ्तारी कर चुका है और इतने सबूत उनके पास मौजूद हैं कि अगर सरकार उनको हटाती है तो सरकार गिर जाएगी और सरकार को जेल तक जाना पड़ेगा। ये 100% तय है कि सरकार में कार्यरत वो अधिकारी, वो मंत्री, वो सभी जेल चले जाएंगे। सबका सबूत के पाठक साहब के पास इस समय मौजूद है और इसीलिए के पाठक साहब को शिक्षा विभाग से नहीं हटाया जा रहा, इतनी गलतियों को भी माफ कर दिया जा रहा है। और स्पष्टता हम आपको आज बता दे रहे हैं, जिस दिन के पाठक साहब शिक्षा विभाग से हटेंगे उसी दिन सारा मुद्दा खुल के सामने आ जाएगा। उनका शासनकाल पूरा नहीं हुआ और उनको अगर हटा दिया जाता है तो 100% मान के चलिए कि ये दोनों भर्तियां कोर्ट के फैसले से पहले ही रद्द हो जाएंगी। आपको मैंने पहले ही बताया है कि कोर्ट में 3-3 केसेज अभी पेंडिंग में है जो भाषा आर्ता को लेके है, उसके बाद मेरिट का जो मैटर है उसको लेके है, जो उर्दू और बांग्ला के स्थान पे हिंदी का पेपर दिलाया गया था, वो सारे मैटर बहुत बड़े मैटर हैं जो कि लेके कोर्ट में उपस्थित है। उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे शिक्षक भर्ती में विज्ञापन के बाद चेंजिंग किया गया, जिसको कि बाद में कोर्ट ने उसको लागू करने की बात कही कि विज्ञापन जारी होने के बाद किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया जा सकता है और जितने सीटें खाली हैं सभी सीटों पे
अगर योग्य अभ्यर्थी हैं तो सभी की नियुक्ति होगी जब तक ये पूरी सीट फुलफिल ना हो जाए। तो उत्तर प्रदेश में अभी तक सीटों को फुलफिल किया जा रहा है, जो कि 2016-2018 की भर्तियाँ हैं उनकी सीटों को फुलफिल करने का यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो आप अपना अनुमान लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब इस कार्यों को किया जा रहा है, पड़ोसी राज्यों में उनके इस कार्यों को किया जा रहा है, अभी झारखंड में आपने देखा ऐसे कार्य को किया गया, केंद्र सरकार में जो हमारे आरपीएफ की भर्ती हुई थी उसमें अभी तक लोग कोर्ट में और लगातार आ रहे हैं ट्रेनिंग पे भर्ती होके, जो कि केस है 2014 की। अब 2011 में भर्ती निकली थी, 2014 में भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया गया था, उसका केस अभी भी चल रहा है और लगातार लड़के अपने ट्रेनिंग पे आ रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो 100% आप मान के चलिए कि बिहार की भी ये भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी और जो अवैध लोग हैं उनसे सभी से पैसे वसूले जाएंगे। कितना हूँ तुम आके मेरे चैनल पर किसी को गुमराह करने का कार्य करो, लेकिन इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि अब गुमराह नहीं हो सकते। तुम अपनी नौकरी बचाओ और तैयार रहो कि तुम्हारे जो पैसे दे दिए हो 10 से 15 लाख रुपए वो भी डूबेंगे और तुम्हारी नौकरी भी जाएगी। तो सोचो कहाँ के रह जाओगे, ना घर के रहे, ना घाट के, ना पैसा रहा, ना नौकरी रहे, चले जाओगे सब जेल। और जेल से जब लौटोगे तो भीख मांग के खाने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं रह जाएगा, या केवल भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया जाएगा तो तुम लोग चले जाओगे रोड पे और तुम्हें खाने तक की रोटी भी नसीब नहीं होगी। अभी तैयार रहो, क्योंकि तुमने तो जो तनख्वाह मिला उसको उड़ा दिया, तो अब वो सारे पैसे तुम कहाँ से दोगे, खेत बेच के दोगे, एक बार खेत बेच के भर्ती हुए, अब एक बार खेत बेच के जो तनख्वाह लिए हो उसको भरना, जीवन भर अब डमाडोल रहना कुछ ना, अब तुम्हारा हमको तो लग रहा है घर भी नहीं बचेगा, उसको भी बेचना पड़ जाएगा सारे पैसे वापस करने के लिए। तो तैयार रहो, अपराधी अपराध करता है तो एक ना एक दिन उसका अपराध जब उजागर होता है तो उसको जेल जाना ही पड़ता है। और मैं मानता हूँ कि 100% की भर्ती में 70% से 80% से लगभग अवैध लोग भर्ती हुए, तो 10 से 15% जो जनरल भर्ती होते हैं, जो अच्छे लोग भर्ती हैं उनके दोबारा भी पेपर होगा तो वो अपने पेपर को क्वालिफाइड कर जाएंगे और कोर्ट के सामने अपना गुहार भी रख सकेंगे कि महोदय मैं पहले भी नियुक्त था और फिर दोबारा अपनी नियुक्ति को प्राप्त कर लिया, इसलिए मेरे तनख्वाह को लागू रखने दिया जाए, तो 100% उनका तनख्वाह लागू होगा। लेकिन चोर कब तक बचोगे, अब तुम लोग के बचने का दिन गया, अब फंसने का दिन शुरू। और मैंने कहा था, याद रखना, पटना हाई कोर्ट चुनाव तक रुका हुआ है, जरा चुनाव कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद तुम लोग के जीवन का उल्टी गिनती भी शुरू होने जा रही है। क्योंकि तुम लोग को बड़ी खुजली थी कि हम लोग नकल मार के पास हो गए, इन लोग के चैनलों पे जाओ, अवैध मैसेज करो, कुछ भी करो, हम लोग को भड़का देते हैं, जो भर्ती नहीं हुए 2-4 दिन के खेले में रहेंगे, उसके बाद वो भड़क जाएंगे तो कहेंगे हाँ कुछ नहीं होगा। अरे तुम भी कुछ नहीं, सभी एक साथ है, एक एक शिक्षक अपना शिक्षक का योग्यता दिखा रहा है। क्या मनीष पत्रकार समझ रहे थे का मनीष पत्रकार समझ रहे थे का कि 2 दिन न्यूज चलाएंगे और तीसरे दिन चुनाव में उड़ जाएंगे? अरे वो लोग, वो चंपारण की जनता जो उनको वोट देगी, वो अपने जीवन, अपने बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, तो उसको भी वोट चंपारण में नहीं मिलने वाला है और न मैं चुनाव में उठने वाला हूँ। और मेरे को कहने वाले, मेरे बारे में उठा के पढ़ लेना, ठीक है, गूगल पे जाना, मेरे बारे में पढ़ लेना, मेरे बारे में जानकारी ले लेना कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ। अभी छोटा मोटा हो, घूम रहे हो गली गुच्चे में, बाप ने जमीन बेच के तुम्हें नौकरी दिला दी, हम लोग वैसे नौकरी नहीं पाए, ना हम लोग ने वैसे आज स्पोर्ट्स के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में ही मेरे पास बहुत पैसे इतने आ रहे हैं कि हम रोटी खा लेंगे और जीवन बिता लेंगे। लेकिन वो युवा जिसके 3-3 बेटियां हैं, वो युवा जो बहुत गरीब है, उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा। मैं तो पहले भी कहा, मेरे को नौकरी ना मिले मेरे को कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हमारे भाइयों को नौकरी मिलना बहुत ज़रूरी है। वो भाई जिन्होंने अपनी मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाने का एक जरिया बना के अपने बेटियों का शादी करना चाहता है, अपनी गरीबी को दूर करना चाहता है,
उसके लिए मेरी लड़ाई है। तो जीत हमारी तय है। जय हिंद, जय भारत।